कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा का बताया जा रहा है कि हरियाणा को पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मांगा है, रिपोर्ट दीजिए, फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए ये कहा गया है, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए ये सवाल किया गया है, टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया, देखिए रिपोर्ट दीजिए, फिर सुनवाई की जाएगी। तो जल संकट को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। तो टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए यह भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सवाल भी किए गए और रिपोर्ट भी मांगी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ अपडेट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है पूरी। जी बिल्कुल नंदनी, बता रहे आपको कि जिस तरह से लगातार दिल्ली में जल संकट को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार को दोषी बताने में लगी हुई है, वही सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाया है और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगा है कि आखिर दिल्ली में जो जल संकट हुआ है, पानी की जो बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी जल माफिया की बात कर रही है, टैंकर माफियाओं की बात कर रही है कि दिल्ली में अवैध रूप से पानी का जो टैंकर माफिया है वो अवैध रूप से पानी लेते हैं और वो महंगे दामों में पानी का सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से भी रिपोर्ट मांगा है और उसके बाद सुनवाई करने के लिए मांग की है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार को भी आदेश दिया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़े जाएंगे तो वो हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट को दिल्ली के लिए पानी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए दिल्ली के यदि हम हालात की बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोज पानी तक नहीं पहुंच पा रहे, वहां के लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टैंकर भेजा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद ही पानी बर्बादी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगाते हुए सवाल खड़ा किया दिल्ली सरकार पे, तो सबसे पहले कि आखिर पानी माफियाओं को या फिर जहां पे पानी की बर्बादी होती है वहां पे रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने एक कमेटी भी गठित किया और जहां पे पाइपलाइन, जहां पे जल सप्लाई का जो पाइपलाइन है लीकेज है उसको देखने के लिए, उसकी निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसको अब जांच किया जाएगा, एक हलफनामा बनाया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में जमा किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट फिर मामले की सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है वो देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार की बात करें तो वो हरियाणा सरकार को दोषी करार देती है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर